नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है कॉस्मिक फोरम बाय लेक्चरर। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपके साथ एक्सरसाइज नंबर 3.1 को फिनिश किया था। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक्सरसाइज नंबर 3.2 के बिफोर जो बेसिक्स हैं, जो भी सारी चीजें 3.2 के बीच में यूज होने वाली है वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। और अगर आपने ये समझ लिया तो समझ लेना अगले वाली एक्सरसाइज बहुत आसानी से हम लोगों को समझ में आ जाएगी। सबसे पहला काम, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। अभी कुछ समय पहले जो हमने वीडियो बताया था उसके बीच में आपको बताया था a1x प्लस का b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। और जब मैं इसको इकट्ठा करके पढ़ता हूं तो मैंने आपको बताया था इसका नाम होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अभी तीन क्वेश्चंस भी हमने आपको करवाए थे, उन तीन क्वेश्चंस से आपने एक चीज देखी होगी, देयर ग्राफ्स आर ऑलवेज टू स्ट्रेट लाइंस। जब भी हमने इनके ग्राफ बनाए थे तो इनके ग्राफ हमेशा लाइंस बनती है, दो लाइंस आई थी, है ना। तो अब हम एक एक करके उनको पढ़ेंगे और समझेंगे कि ग्राफ कैसा बनना चाहिए, कैसा बनेगा, उससे कैसा सॉल्यूशन निकलेगा, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपसे कहते हैं क्या, सबसे पहला है आपसे कहता है नंबर वन टाइप, हमारे पास दो लाइन ऐसी हो सकती है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। जैसे इस वाली लाइन का नाम है a1x प्लस b1y प्लस का c1 इज इक्वल टू 0, और इस वाली लाइन का नाम है a2x प्लस का b2y प्लस का c2 इज इक्वल टू 0। ये दोनों की दोनों लाइनें जो है वो एक पॉइंट के ऊपर कट करती है, ठीक है। तो ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे कट करती है, इंटरसेक्ट करती है, दोज आर सेड टू बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, दोज टू लाइंस विच इंटरसेक्ट ईच अदर, विच इंटरसेक्ट ईच अदर एट वन पॉइंट, ठीक है, आर कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये वाली जो लाइंस है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। कोई भी दो लाइनें जितने भी पॉइंट्स पे काटेगी वो सारे उसके सॉल्यूशन होंगे, उसके क्या होंगे, सॉल्यूशन। तो इसका मतलब ये कितने पॉइंट पे काटती है, एक पॉइंट पे काटती है। अगर ये एक पॉइंट पे कट करती है, अगर ये एक पॉइंट के ऊपर कट करती है तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो भी एक होगा, और एक सॉल्यूशन का मतलब क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब क्या है, एक्स की भी एक सिंगल वैल्यू मिलेगी, वाई की भी एक सिंगल वैल्यू मिलेगी जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगी, उसके अलावा कोई और वैल्यूज हम नहीं ढूंढ पाएंगे, ठीक है। और उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन है a1 by a2 दिस इज नॉट इक्वल टू b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 के बराबर नहीं है तो हमेशा और हमेशा जो भी आपकी दो लाइंस है जब आप उनका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, एक पॉइंट पे काटेगी, एक्स की भी एक वैल्यू मिलेगी, वाई की भी एक वैल्यू मिलेगी, इसलिए जो उसका सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए, जैसे हमारे पास लिखा है एक्स प्लस का वाई दिस इज इक्वल टू 6 और एक्स माइनस वाई दिस इज इक्वल टू 4। अब आप करके देखो, ये 1 ये 1 ऐसे, ये भी 1 ये भी 1, ये 6 ये 4। अगर मैं यहां से a1 by a2 निकाल लूं तो कितना आएगा, 1 by 1 आ जाएगा। b1 by b2 निकाल लूं तो कितना आएगा, 1 by -1, तो कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं a1 by a2 बराबर नहीं है किसके, b1 by b2 के। तो कहने वाला जब आप इसका ग्राफ खींचोगे ना तो इसका ग्राफ हमेशा इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, एक पॉइंट पे काटेगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। समझ में आ गया, उसके बाद आगे चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड नंबर पे जो चीज हमारे पास आती है उसका जो नाम है दैट इज सेड टू बी पैरेलल लाइंस, ठीक है, पैरेलल लाइंस। अभी पैरेलल लाइंस क्या है, आपने पढ़ा होगा, कोई भी ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे काटती नहीं है, है ना, सीधी सीधी चलती रहती है, किसी पॉइंट पे नहीं काटेगी।
तो इसका नाम है ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई प्लस का सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू दिस इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती है, और अगर ये किसी भी पॉइंट पे नहीं काटती है तो सीधी सी बात हम ये लिखेंगे इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि हमने आपको समझाया कि कुछ भी कर लो है ना, कोई भी आप एक्स वाई की ऐसी वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे, क्योंकि सॉल्यूशन वही मिलेगा जहां पे लाइंस कट करेगी, सॉल्यूशन वही मिलेगा जहां पर लाइंस कट करेगी, जब लाइंस कट ही नहीं करती तो सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है। ठीक है कि नहीं, तो इसके लिए कंडीशन भी होती है, तो इसके लिए जो कंडीशन हमारे पास है दैट इज गिवन टू बी ए वन बाय ए टू दिस इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू बट नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू। ठीक है, इसके लिए कंडीशन क्या है, आप इसको सीधा चेक कर सकते हो, ए वन बाय ए टू बराबर बी वन बाय बी टू और बराबर नहीं है सी वन बाय सी टू के। तो किसी भी दो इक्वेशन का ग्राफ बनाने से पहले आप ये कंडीशन चेक कर लो, तो आपको ग्राफ बनाने से पहले ही थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इसका सोल्यूशन आने कैसे वाला है। जैसे हमने आपसे ये बोला, हमने ये लिखा 2x प्लस का y दिस इज इक्वल टू 3 और यहां पे लिख दिया 4x प्लस का 2y दिस इज इक्वल टू 15। अब आप यहां से कंपेयर करके देख लो, अगर मैं यहां से a1 by a2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो 2 by 4 आएगी, तो ये 1 by 2 है। फिर आप b1 by b2 निकालोगे, ये b1 है ये b2 है, तो ये 1 by 2 आएगी। अगर आप c1 by c2 निकालेंगे तो 3 by 15 आएगी, कैंसिल करेंगे तो 1 by 5 आएगा, आएगा नहीं आएगा। तो कहने का मतलब a1 by a2 b1 by b2 के बराबर तो है लेकिन c1 by c2 के बराबर नहीं है, इसलिए जब आप इन दो लाइन का ग्राफ खींचेंगे तो हमेशा दो पैरेलल लाइंस आएंगी, किसी भी पॉइंट पे नहीं काटेंगी, और अगर पॉइंट पे नहीं काटेंगी तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगले वाली जो लाइन है उनका जो नाम है को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, को इंसिडेंट लाइंस, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास एक लाइन तो ये है और जो दूसरी लाइन है वो भी इसके ऊपर ही है, जो दूसरी लाइन है वो भी इसके ऊपर ही है, कहने का मतलब दोनों लाइंस यही हैं। तो कहने का मतलब दो ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे काटती हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब है ए वन एक्स बी वन वाई प्लस का सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू इज इक्वल टू जीरो, दोनों की दोनों यही है। कहने का मतलब दोनों लाइंस जो है वो एक दूसरे बहुत सारे पॉइंट्स पे काट रही है, इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे, तो उन लाइंस का नाम क्या हुआ, कोइंसिडेंट लाइंस। और हमने आपको क्या समझाया कि दो लाइंस जितने पॉइंट्स पे काटेगी वो सारे सॉल्यूशन है, तो कितने पॉइंट्स पे काट रही है, इनफाइनेटली मेनी पे, इसलिए जो इसके सॉल्यूशन होंगे वो भी क्या होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो आप लिख देना ये इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे दैट विल बी इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस। ठीक है, और कंडीशन क्या है, इसके लिए कंडीशन होता है ए वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू और C1 वन बाय सी टू, तीनों बराबर होना चाहिए, A1 वन बाय ए टू दिस इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू एंड दिस विल बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू। समझ में आ रहा है, अब कई सारे लोग बोलते हैं कि सर यहां पे C1 वन बाय सी टू नहीं बोला आपने, तो कोई दिक्कत नहीं है, बराबर आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ये कंडीशन है कि A1 वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया मैंने क्या कहा, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखो मैंने लिखा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 4 और फिर मैंने लिखा 4x प्लस का 6y दिस इज इक्वल टू 8। अब आप कंपेयर करके देखो, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके देख सकते हैं a1 वन बाय ए टू दिस विल बी 2 बाय 4, b1 वन बाय बी टू दैट विल बी 3 बाय 6 और c1 वन बाय सी टू दैट विल बी 4 बाय 8। अगर मैं इसको कैंसिल करूंगा तो 1 बाय 2 आएगा, इसको कैंसिल करेंगे तो भी 1 बाय 2 आएगा और इसको कैंसिल करेंगे तो भी 1 बाय 2 आएगा। सलाह आप बोल सकते हैं a1 वन बाय ए टू बी वन बाय बी टू और c1 वन बाय सी टू तीनों की तीनों बराबर है, और अगर ये बराबर है तो इसका मतलब ये कैसी लाइंस होंगी, ये हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस होंगी जिसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे। तो मैंने आपको तीन चीजें बहुत प्यार से समझाई, सबसे पहली चीज दो लाइंस अगर ऐसे काटेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है, कंडीशन क्या है, ए वन बाय ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है जी, दो लाइंस ऐसी है किसी भी पॉइंट पे कट नहीं करती है, पैरेलल चलती है, किसी पॉइंट पे कटती नहीं किया तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, इसका मतलब क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा। ए वन बाई ए टू इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू नॉट इक्वल टू सी वन बाई सी टू, एक लाइंस ऐसी है, एक के ऊपर एक है ना, कितने पॉइंट पे काटती है,
इनफाइनेटली मेनी पॉइंट्स पे काटती है, सॉल्यूशन भी कितने होंगे, इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और कंडीशन क्या है, ए वन बाई ए टू दिस इज इक्वल टू बी वन बाई बी टू एंड नेक्स्ट इज इक्वल टू सी वन बाई सी टू। ठीक है जी, तो यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है। तो अब तक हम लोगों ने क्या समझा, अब तक हम लोगों ने समझा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू जीरो। दो लीनियर इक्वेशन है दो वेरिएबल के अंदर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसकी तीन तरह की सिचुएशन बनती है जब इसको ग्राफ प्लॉट करते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, ए वन बाई ए टू नॉट इक्वल टू बी वन बाई बी टू एग्जाम्पल। ऐसे ही पैरेलल लाइंस हैं, ऐसे इनफिनिटली मेनी लाइंस है, इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं जिसको कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। ठीक है, आप इसको लिख देना क्या था यहां पे, कोइंसिडेंट लाइंस। अब जो मेन चीज हम लोगों को पढ़नी है वो है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारे पास दो इक्वेशन दी होंगी और वो आपसे पूछेगा बताइए कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। कहने का मतलब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप दो चीजें देखोगे, हमारे पास एक चीज लिखी है ए वन एक्स प्लस का बी वन वाई और प्लस का सी वन इज इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस का बी टू वाई प्लस का सी टू इज इक्वल टू जीरो। इसके दो ही केस होंगे, या तो इसका सॉल्यूशन होगा और या फिर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना, या तो इसका सॉल्यूशन होगा और या तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सॉल्यूशन चाहे वो यूनिक हो, सॉल्यूशन चाहे वो यूनिक हो और चाहे वो इनफाइनाइट हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो, सॉल्यूशन चाहे आपका कैसा भी निकल आए, चाहे वो यूनिक हो चाहे वो इनफाइनाइटली मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट तो बोलते हैं वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट है। बाय चांस हम उसका कोई सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाए तो उसका जो नाम होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अगर किसी भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का हम सॉल्यूशन निकाल पाते हैं तब तो कंसिस्टेंट है, और अगर सॉल्यूशन नहीं निकलता वो इनकंसिस्टेंट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है। सॉल्यूशन निकालिए चाहे यूनिक है चाहे इनफिनिटली मेनी है तो बोलेंगे कंसिस्टेंट है, और अगर कोई सॉल्यूशन ही नहीं आ रहा तो हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है। ठीक है जी, एक छोटी सी चीज और यूज होती है इसके बीच में जो आपको अच्छे से पता नहीं चाहिए। अगर मेरे को किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है ना, तो हम लोगों को सिक्स सेवन क्लास से स्टार्ट कर देते हैं, किसी भी ट्रायंगल का एरिया बराबर होता है वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है, वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, या फिर कई लोग ऐसे पढ़ते हैं वन बाय टू मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, एक ही बात है। ठीक है, तो ये सारी तमाम चीजें हैं जो एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करने से पहले आप लोगों को पता होनी चाहिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको बेसिक समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि वो सारे लोग भी घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर सके। ठीक है जी, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।